कबीर नौबत आपनी दिन दस लेहु बजाए। यह पुर पट्टन यह गली बहुर न देखहु आए। कबीर साहब कहते हैं कि अपना नौबत नगाड़ा दस दिन बजवा लो, फिर यह पुर यह पट्टन, पुर गांव, पट्टन बाजार, बहुर न देखहु आए, लौट करके देखने का अवसर नहीं होगा। टेसु फूला दिवस दस खंखर भया पलास। दस दिन के लिए टेसु फूला, लाल लाल फूल, पूरा पेड़ भर गया फूलों से, अंत में खंखर हो गया पलास, कुछ न रहा। कैशोरी और जवानी की चमक माधुर्य लावण्य थोड़े दिन में सब उड़ जाते हैं। जवानी की चमक दमक मादकता पता नहीं लगती है कहाँ गई। मित्रों, पति पत्नी, संबंधियों, अनुगामियों की भीड़, धन ऐश्वर्य की गहमा गहमी थोड़े दिन में सब बह करके पता नहीं कहाँ चली जाती। अंतिम दिन की याद करो, अंतिम दिन की स्थिति साधो। आदमी पूरा जीवन भ्रम में जीता है। भ्रम बढ़ा त्यहलोक में, भ्रम मढ़ा सब ठाँव, कहें कबीर पुकार के तुम बसो भ्रम के गांव। सब तरफ भ्रम बढ़ा है, जगह जगह भ्रम मढ़ा है। साहब कहते तुम भ्रम के गांव में बसते हो, ये शरीर भ्रम का गांव है। जब अंतर्दृष्टा आदमी हो तब उसका पता लगता है। अपने मन को देखे, मन की चाल क्या है, क्या क्या सोचता है, कैसा गर्दा गुब्बार में वो तैरता रहता है। विलासी मन, प्रपंची मन को देखो। विलासी मन रागात्मक होता है, प्रपंची मन में भी राग होता है, लेकिन उसमें राग कम होता है, किंतु दुनिया की पसारा की कल्पना ज़्यादा होती है। और राग तो रहता ही है। रागात्मक मन, विलासी मन रूप सौंदर्य, शरीर का घमंड, इन सब को लेकर के काम वासना की बात सोचता है, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान होने की कल्पना करता है, कुरूप हो, सुंदर होने की कल्पना करता है, झोपड़ी में हो, महल की कल्पना करता है। ये चित विलास, मनोविलास, मनोरथ, मनोरथ मनहरथ, मन के रथ पर बैठ करके जीव घूमता है। ये विलासी अनादिकाल से विषयाध्यासी है, इसलिए झूठी झूठी कल्पना करके मनोरथ पर चढ़ करके बैठ घूमता रहता है। मनोरथ इच्छा, मनोरथ मनहरथ मन का रथ, मन के वायव्यान पर बैठ करके घूमता रहता है और कुछ न कुछ अपने मन को जो देखता है वो धीरे धीरे समझता है। इसीलिए साधक अंतर्दृष्टा होता है और दूसरे के लिए उसकी जवान बंद होती है। जितना आदमी अंतर्दृष्टा होता है उतना दूसरे के लिए जवान बंद होती जाती है। अपने को देखो, अपने में जो भंगार भरी हुई है उसको निकालो। जो अपनी भंगार को देखता है वो दूसरे की भंगार को नहीं देखता। कबीर हम सबते बुरे,
हमते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। कबीर साहब कहते हम सबसे बुरे हैं और हमसे सब भले हैं, ऐसा करके जो जाना वो हमारा मित्र है। साधक का यही लक्षण है। साधक वह है जो अपनी त्रुटियों को देख ले, जो अपनी त्रुटियों को न देख पाए वो साधक नहीं। और जब त्रुटियां समाप्त हो जाएं, तब तो अपने आप वो मक्खन हो जाता है। त्रुटियां समाप्त हो जाने पर भी निगरानी की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है। जब लग है यह देह प्रारब्ध भुलावन पूर्व की, तब लग शत्रु मने विनय करो यही स्वार्थ हित। जब तक ये शरीर है, प्रारब्ध है, तब तक मन साथ है, और मन की खुराफात कभी भी आ सकती है। अनाथ काल का अध्यासी फिर वो जग सकता है, इसलिए निरंतर जागरूक साधक को होना चाहिए। केवल एक मन है जिससे सारा उपद्रव है, और केवल एक मन है जिससे जगत विस्तार है। शुभ और अशुभ दोनों मन से संचालित होता है, इसलिए मन केवल खराब नहीं है, मन अच्छा भी। वैसे शुद्ध आत्मा की दृष्टि से मन निरर्थक है। मेरा स्वरूप शुद्ध है, निर्मल है, मन की आवश्यकता नहीं, लेकिन शरीर है और मन है, तो उसी में रास्ता निकालना है कि मन की गलत स्थित न रहे, अच्छी स्थित रहे। मन बिल्कुल न रहे बहुत बढ़िया है, विदेह मोक्ष ही तो है, वहाँ मन नहीं है। इसीलिए सदेह में विदेह का अनुभव करना साधना है। देह में रहते रहते विदेह बनो, मन साथ है, अमन हो जाओ, कुछ समय के लिए अमन हो जाओ, संकल्प शून्य कर दो। संकल्प शून्य हो जाता है जब, तब विदेह का अनुभव होता है। निर्विकल्प समाधि में स्थित हुए बिना कोई मोक्ष नहीं पा सकता। जीवन में रहते रहते जब इसका प्रगाढ़ अनुभव होता है, प्रगाढ़ अमृत, मन रहित दशा, संकल्प शून्य दशा, ज्यादा ज्यादा समय तक संकल्प शून्य दशा में जब साधक रहता है, वो प्रगाढ़ अमृत है। आपका स्वरूप अमृत है, उसमें विष नहीं, विष आपने घोला है अज्ञानवश। आप में जो नहीं है वो आरोपित किया है। आप में शरीर नहीं है, मन नहीं है, विषय प्रपंच नहीं है, लेकिन उन सब को आपने अपने में आरोपित कर लिया है, और उनसे सुख पाने की लालसा बन गई है। और सदैव उनसे दुख मिला है, सुख नहीं मिला है। चित्त की उपस्थिति ही दुख है, सोचना ही दुख है, न सोचना सुख है। यत्र नानत पश्यत नानत श्रणोत नानत विजानात सब उमा भूमयु सुखम, भूमा में ही सुख है। भूमा की स्थिति क्या है? यत्र नानत पश्यत, यत्र जहां पर, जिस स्थिति में, ना अन्यत पश्यत, ना अन्यत पश्यत दूसरे को नहीं देखता है, ना अन्यत श्रणोत दूसरे को नहीं सुनता है, ना अन्यत बिजाना दूसरे को नहीं जानता है। सब भूमा, वो भूमा है। जब देखता नहीं है, सुनता नहीं है, जानता नहीं है, तब भूमा है। देख सुख जान करके संसार का प्रपंच सामने होता है। देखते हैं रूप को,
सुनते हैं शब्द को, जानते हैं जगत प्रपंच को, और उसमें उद्वेग, पीड़ा, अशांत, प्रपंच, विकार और कुछ नहीं। देखना बंद करो, सुनना बंद करो, जानना बंद करो। अंधत्तम, पंगुत्तम, मूकत्तम, अंधे बनो, पंगुले बनो, लोले बनो, बहरे बनो, इसका अर्थ यही है, अपने को समेटो, अंतर्मुख करो। पहले तो ऐसी बुद्धि बने, ये समझ हो, समझ ही नहीं होती। मैं देह से भिन्न हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, इसकी ही समझ नहीं बनती। बहुत दुर्लभ लोग हैं जिनको आत्मज्ञान की बात सुनने को मिलती है। धर्म के क्षेत्र में प्रायः चर्चा होती है, भगवान का नाम लो, वो बेड़ा पार कर देगा। भगवान जब खुश हो जाएगा तब सब दुख दूर कर देगा। भगवान कैसे खुश होता है? नाम लेने से, नाम पसंद बहुत है, वो अपनी बड़ाई चाहता है, लड्डू चाहता है। भगवान कहाँ है जो खुश करे? धर्म के क्षेत्र में बड़ा बड़ा भ्रम है। आपका कर्तव्य भगवान है, जितना आप कर्तव्य करोगे उतना उस स्थिति के निकट पहुंचोगे। कोई ईश्वर और भगवान नहीं बैठा है जब आप नाम लें तो खुश हो जाए और आपका काम कर जाए। जब आप प्रार्थना करते हैं कोई सुनने वाला नहीं है, न उत्तर देने वाला है, आपकी केवल भावना है। इस धोखे में मत पड़ो। कमहुक दीन दयाल को भनक पड़ेगी कान, रटते रहो रटते रहो। दीन दयाल के कान में कभी तो भनक पड़ेगी। दुखी जीव इस प्रकार सोचता, आखिर करे क्या, बोध है नहीं। समझता है कोई दीन दयाल बैठा है आकाश में, जब हम पुकारते रहें पुकारते रहेंगे तो कभी तो सुन लेगा। क्या वो कभी नहीं भी सुनता है? जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, वो हमारे पुकारने से जानेगा, पहले से नहीं जानेगा। जहाँ चोरी होती है, डंका पड़ता है, हत्या होती है, सामूहिक हत्या होती है, वहाँ भी वो है और वो जानता है। सर्वत्र होने से वहाँ भी है, और सर्वज्ञ होने से सब कुछ जानता है, और सर्वशक्तिमान होने के कारण वह उसे नहीं होने दे सकता है, लेकिन सब कुछ होता है। धरा रहता है ईश्वर, हत्याएं होती हैं, व्यभिचार होता है, कुकर्म होता है, तीर्थ, जितने तीर्थ हैं दुष्कर्म के अड्डे बने। ये नहीं कि सब वहाँ खराब हैं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे संत भी हैं, साधक भी हैं, लेकिन उद्दंडों और कुकर्मियों का बोलबाला है। उसमें वो जो अच्छे साधक को भी बेचारे दबे रहते हैं और ईश्वर कुछ नहीं कर पाता। ईश्वर की परिभाषा ही आपने गलत की, और गलत भी की है अपने गर्ज के लिए, बुरा नहीं है। ईश्वर की इतनी सुंदर परिभाषा और हो ही नहीं सकती है कि वो सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। इसी की हमें जरूरत है। अगर ऐसा हो तो दुनिया में दुख ना हो। वो हर जगह हो, सब कुछ जानता हो, कुछ भी कर सकता हो, लेकिन गलत नहीं करेगा, अच्छा करेगा, क्योंकि सच्चिदानंद दयालु कृपालु है। ऐसे ईश्वर की हमें बड़ी आवश्यकता है, लेकिन ऐसा ईश्वर कहीं नहीं। नियम है, सर्वत्र व्याप्त नियम है। नियम के अनुसार सब होता है। जब कोई चोरी करने चलता है उसको कोई रोकने वाला नहीं। उसके अंदर की जो शुभ वासना है वो उसको रोकती है, और जब बहुत पतित तो आदमी हो जाता है तो वो भी दब जाती है। असत्य बोलने में जो एकदम धुरंधर हो जाता है तो अंदर की चेतना दब जाती है।
सामान्य व्यक्ति जब असत्य बोलने लगता है, बोलने चलता है, तो अंदर की चेतना टोकती है, गलत है। लेकिन लोभवश या भयवश झूठ बोलता है, और जो बराबर झूठ बोलता है उसकी अंदर की चेतना दब जाती है, वो आवाज़ भी मंद हो जाती या बंद हो जाती। तो अपने अंदर की शुभ वासना हमें टोकती है, बाहर से कोई टोकने वाला नहीं। कोई मनुष्य हो तो टोक सकता है, कोई ईश्वर नहीं जो टोक सके। कोई कुकर्म करने जा रहा हो, ईश्वर वहीं पकड़ ले, ऐसा कोई ईश्वर नहीं बैठा है। ऐसा होता तो ईश्वर के नाम पर आज तक इतना पाप हुआ है, वो आज भी खूब पाप हो रहा है। एक तरफ भगवान, एक तरफ दुराचार। एक तरफ भगवान की गद्दी लगा दी गई, दूसरे तरफ कुकर्म हो रहा है। उपासना गृह है और सामूहिक हमला करने के लिए उसमें मीटिंग हो रही है, गर्भगृह में मीटिंग हो रही है, और संगठन करके बस हमला करके मार काट दिया जाता है। इसलिए जिस ईश्वर की आपने कल्पना की वो कहीं नहीं, नियम सर्वत्र है। करोगे भरोगे, अकाट्य। चोरी करने चलो कोई रोकने वाला नहीं। मनुष्य जान पाए तो रोकेगा, राजा जान पाए तो रोकेगा, अगर ये सब न जान पाए तो कोई रोकने वाला नहीं। आपका विवेक रोकता है, लेकिन लोग बस वो भी रोकना बंद कर देता है, और कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन कर लेने के बाद गिरफ्त, करने चले तभी से गिरफ्त, भयभीत पीड़ित। कर लिए भोग, उसका भोगना है, कोई हजार भगवान मिलके काट नहीं सकता है। चोरी किए, 10 लाख का माल ले आए, 20 लाख का, करोड़ों का माल ले आए, 2-4 हजार रुपए का फूल माला, कपड़ा, मिठाई, नगद ले जाके उपासना गृह में रखे और प्रार्थना करने लगे और रोने लगे, भगवान क्षमा करो, भगवान क्षमा कर दिए, क्योंकि वो कमीशन पा गया। कोई भगवान क्षमा करने वाला नहीं, क्षमा मांगने के तरीका भी नहीं। निरहू का खेत जोते घुरहू को लगान दे, जिसका खेत जोते उसको लगान दे, जिसके घर में चोरी करे उससे क्षमा मांगे, जाए कहे भैया मैंने आपके घर में चोरी की है, मैं सब माल लौटाए देता हूँ, वो बहुत खुश हो जाए। गया हुआ माल फिर लौटे, वो तो आपको सीने से लगा लेगा, धन्यवाद, और हो सकता हो कुछ आपको पुरस्कार भी दे दे। क्षमा मांगने का तरीका है, जहाँ गलती हुई है वहाँ क्षमा मांगना। गलती करो इंसान के घर में, क्षमा मांगो भगवान के घर में। अब ऐसा भगवान अकल वाला कि फटकार भी न पावे कि क्या कर रहे हो, तो बेचारा क्या करे, जिससे क्षमा मांगते हो तो है ही नहीं, और जो है उसका ज्ञान नहीं, वो है नियम, और नियम को कोई टाल नहीं सकता, नियम ईश्वर है। कर लेने के बाद भोगना है, कोई दुनिया की हस्ती नहीं है जो उसको हटा सके, हजार ईश्वर मिलकर के आपके कर्मों को काट नहीं सकते, हजार गुरु और संत मिलकर के काट नहीं सकते। राम का नहीं कटा, कृष्ण का नहीं कटा, विष्णु का नहीं कटा। कहते राम राम कहो पाप कट जाएगा, दुख दूर हो जाएगा। राम अपनी पत्नी का दुख नहीं दूर कर पाए, माँ बाप का दुख नहीं दूर कर पाए, प्रजा का दुख नहीं दूर कर पाए, सब रोते रहे, बिलखते रहे। पिता फटफटा फटफटा करके मर गए। कौशल्या माता राजभवन में 14 वर्ष तक रोती रही। कई कई भी बिचारी जब समझ पाई कि मैंने गलत की, कई कई को तो जोश हो गया था। कुछ ऐसे खड़मंडली होते हैं जो सज्जन के मन में भी भ्रम पैदा कर देते हैं, वो भटक जाते हैं, वो विवेक की गहराई कमी। जब मंथरा सुनी
वाल्मीकि रामायण के अनुसार मैंने रामायण रहस्य में सब लिखा है। कौशल्या के भवन पर गहमा गहमी थी, छत पर बांदियां घूम रही थी उमंग में, कैकेयी के भवन के ऊपर मंथरा चढ़ी और कही, क्या बात है, बहुत गहमा गहमी है। उन लोगों ने कहा, आप नहीं जानती हैं, कल राम का राज्याभिषेक होगा, युवराज बनेंगे। इतने में उसको सांप छू गया। वो कैकेयी के नैहर से आई थी, कैकेय देश, पंजाब का व्यास नदी का क्षेत्र कैकेय देश। कैकेयी सुंदरी थी, पंजाब के लोग गोरे लंबे होते हैं, तो वहाँ से मंथरा आई थी। और मंथरा को ये आशा थी कि भरत का राज्य होगा, क्योंकि शर्त यही थी। कैकेयी नरेश ने दशरथ से कहा था कि मैं कैकेयी को तब दूंगा आपको जब ये शर्त माने कि उससे पैदा हुआ बच्चा अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा। तो मोहबस दशरथ ने स्वीकार कर लिया। ये वाल्मीकि रामायण में आता है। चित्रकूट में श्री राम लक्ष्मण को भरत को बताते हैं, जब भरत नहीं लौटते हैं तब खोल करके राम ये बात कहते हैं। रामचरितमानस में तो भरत कहते हैं, आपकी जैसी आज्ञा। राम कहते हैं, जैसे तुम कहो। इतनी सभ्यता से बात वाल्मीकि रामायण में नहीं हुई, वहाँ तो न्याय हुआ है, तर्क हुआ है, बहस हुई। राम ने कहा, तुम राज के अधिकारी हो, मैं नहीं जाऊँगा। भरत कहते हैं, राम के राज के अधिकारी आप हो, मैं राज्य नहीं लूँगा। दोनों तरफ से खूब तर्क चलता, बहस चलती, वकालत पूरी है। सब मैंने रामायण रहस्य में लिखा है। आप लोग रामचरित मानस थोड़ा जानते हो, वाल्मीकि तो पढ़ते नहीं। वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो लगता है यथार्थ घटना घट रही। गोस्वामी जी ने तो उसको कोमल कर दिया है, भक्तिम बदल दिया है, रावण के पक्ष को आगे चल करके भयंकर दुराचारी बना दिया है, और राम के हर एक पक्ष को मक्खन लगा दिया। इसलिए राम कथा मानस में दब जाती है, भक्ति भावना बढ़ जाती है, वो भी भक्ति भावना धुआं का धौरहरा। अच्छी बातें हैं उसमें, लेकिन सत्य से अलग हो जाता है। खूब बहस चली, अंत में यहाँ तक हुआ है कि भरत प्राप वेशन पर बैठ जाते हैं राम के सामने। सब बैठे हैं, बहस चल रही है। जब राम नहीं मान रहे हैं, अयोध्या नहीं लौट रहे हैं, तब भरत ने सुमंत से कहा कि मेरे लिए एक चटाई उस चबूतरे पर बिछा दो, मैं प्राप वेशन करूँगा, आमरण अनशन। अगर राम अयोध्या नहीं लौटते हैं तो अनशन करके मैं मर जाऊंगा। सुमंत की हिम्मत नहीं हुई राम के डर से कि वे चटाई उनके लिए बिछाएं, उठ नहीं पाए। तब भरत बहुत निराश हुए, स्वयं उठे, एक चटाई ले लिए, बैठ गए। तब राम ने कहा, भैया राजपुरुष प्रायोपवेशन नहीं करता है, युद्ध करता है। प्रायोपवेशन तो तपस्वी का काम है। आमरण अनशन किसी सत्याग्रह के लिए, आमरण अनशन तपस्वी का काम है, वीर पुरुष का काम नहीं। हो तो धन बाण उठाता है। तुम प्रायोपवेशन करते हो, बिल्कुल गलत है। वो बेचारे हार गए। तब राम ने कहा, देखो जब पिताजी की शादी हुई थी तुम्हारी माता के साथ, तभी नाना साहेब से तय हो गया था कि कैकेयी से पैदा हुआ बच्चा गद्दी पर बैठे, इसलिए तुम राज्य के अधिकारी हो। ये सब मंथरा जानती थी, और जानती थी कि भरत का जब राज्य होगा तब क्या पूछना है। राजभवन में तो मैं एक दूसरा राजा बन के बैठूंगी, दूसरी रानी बन के बैठूंगी, सब प्रशासन करूंगी, बहुत कुछ मुझे मिलेगा। अब तुरंत सुना राम का हो रहा है तो एकदम भड़बड़ा गई, और जा करके कैकेयी से कही, ये दशरथ राजा बहुत बेईमान आदमी है,
तुम्हें झूठा झूठा प्रेम देते हैं और कौशल्या से मोह करते हैं। राम की राजगद्दी होने जा रही है, तुम बदहोश पड़ी हो। कैकेयी ने कहा, बहुत बढ़िया है, राम भरत में कुछ फर्क नहीं है। अगर राम की गद्दी हो रही है तो मैं तेरे को एक आभूषण इनाम देती हूँ। खुश होकर के तुरंत उसने एक आभूषण उतार करके दे दिया। मंथरा एकदम जल गई, फिर जली कटी कहने लगी। बांधी थी उनकी, लेकिन फिर भी नैहर की थी, दुलरुआ थी, इसलिए खूब कही और समझाई कि देखो राम का राज्य होगा तो उनके लड़के बच्चे होंगे, तो उनका राज्य होगा तो बस वही चलेगा और तुम्हारा बेकार हो जाएगा। इसलिए ये भी हो सकता है कि राम भरत को डाल दे जेलखाने में, बहुत बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए तुम बेकार हो जाओगे। राजा शर्त में बंधे हैं और उनको बांधो, भरत का राज्य हो। खूब समझाई, तब उसकी बुद्धि बदल गई। सज्जन थी कैकेयी, बिल्कुल निर्दोष थी। दशरथ बल्कि गलत थे। दशरथ को चाहिए था कि भरत को बुला लें। एक घर में छोटी सी पूजा होती है तो होता है घर भर के लोग रहें, और राज परिवर्तन और भरत बाहर हैं, ये कोई स्वाभाविक बात है? महा अस्वाभाविक है। तो दशरथ गलत थे, कैकेयी गलत नहीं थी। लेकिन ऐसी सज्जन कैकेयी मंथरा की दुर्बुद्धि से भटक गई और कांड हो गया। लेकिन कांड के बाद जब धुआं ठंडा हुआ, धूल गद बैठा, तब भयंकर पीड़ा कैकेयी को हुई कि मैंने क्या कर डाला, ये मंथरा के चक्कर में पड़ करके क्या कर डाला। और तो बिचारी वो भी 14 बरस तक जलती रही, कौशल्या जलती रही, मेरा लड़का वन में भटक रहा है, और कैकेयी जलती रही कि मेरे कारण ये पाप हुआ। दोनों को संताप हुआ और एक मंथरा ने सब बिगाड़ा। सावधान रहो, मंथरा हर जगह हैं। मंथरा हो चाहे मंथरी हो, वो तो नाम ही मंथरा है। पुरुष भी मंथरा होते, स्त्री भी मंथरा होती है, और घर में, समाज में, हर जगह ऐसे लोग कहीं कहीं मिल सकते हैं जो बना काम बिगाड़ दें, चौपट कर दें और सज्जनों को भी भटका दें। इसलिए सब जगह मंथरा से सावधान रहना, नहीं तो केवल पछतावा हाथ पीछे लगेगा। तो इस प्रकार ये सब कष्ट हुआ, सब दुखी हुए। मैं कह रहा था कि राम नाम लो, सब दुख दूर हो जाएगा। और राम बेचारे अपनी पत्नी का, माँ का, पिता का दुख नहीं दूर कर पाए, आपका दुख कैसे दूर कर देंगे? उन्होंने बाली को छिप के मारा, न्याय नहीं था छिप का मारना, वीरता नहीं है, ये राजनीति थी, राजनीतिक हत्या थी। समझते थे कि सामने जाने में बाली बलवान है, हिम्मत नहीं थी इनकी। और फिर बाली इनके लिए तो निरपराध था, इनका कोई नुकसान थोड़ी किया था। सुग्रीव मेरा मित्र है और इसको फिर से जगह दो, नहीं तो हम युद्ध में खड़े होंगे, तब नीत थी। लेकिन कुछ नहीं, सामने जाने की हिम्मत नहीं थी। और अगर ऐसे रहने दें तो बाली बलवान था और बाली रावण का भी मित्र था, बाली ना राम की बात मानता तो क्या होता? और अगर बाली मर जाता है और सुग्रीव को राज्य और सेना मिल जाती है तो उसकी सेना से और सुग्रीव से सब अपना आम काम करेंगे। ये सब राजनीतिक चाल थी। और बाली बद नहीं, बाल हत्या हुई, ये राजनीतिक हत्या है। पंडितों ने क्षमा नहीं किया राम को, लिखा कि राम ही कृष्ण हुए। और जरा नाम के व्याध से 120 वर्ष की उम्र में मारे गए। ये अपने कर्मों का फल उन्हें मिला। विष्णु ने वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया तो उसके श्राप से वो पत्थर हो गए।
कृष्ण ने शिषपाल की भुजा उखाड़ ली तो जगन्नाथ में भगवान स्वयं लूले बैठे। पंडित सब पोंगा पंथी नहीं होते हैं, चिंतक और तार्किक भी होते हैं। किसी देवी देवता को उन्होंने नहीं छोड़ा, जिन्होंने गलती की उनके फलभोग की बात उन्होंने लिखी, चाहे वो काल्पनिक हो, लेकिन ये उन्होंने कहना चाहा कि उन्होंने गलती की थी तो फल उनको मिला। कर्म फल भोग कहीं जाता नहीं है, इसलिए अपने को संभालो। कोई ईश्वर आपका पाप काट नहीं पाएगा और गुरु भी नहीं काट पाएंगे। ये धनी और शिक्षित लोग ज़्यादा भटके हैं, सब नहीं लेकिन अधिकतम धनी और शिक्षित ज़्यादा भटके हैं। त्याग संयम एक कर नहीं सकते हैं, विनम्रता हो करके कहीं शरण ले नहीं सकते हैं, साधना कर नहीं सकते हैं। इसलिए ये तो भगवान को खुश करना चाहते हैं या तो गुरु को, ऐसे गुरु मिल जाएं जो देख लें और उनका कल्याण हो जाए, धन पूत राज काज और मोक्ष सब मिल जाए। और ऐसे गुरु खूब बैठे हैं और उनकी खूब चलती है, चांदी है, क्योंकि चमत्कारी बाबा हैं। तो दुनिया में उलझन ज़्यादा है, धर्म को लेकर के महा उलझन है। भगवान और मोक्ष, धर्म और महात्मा और गुरु नाम लेकर के इतना दुराचार हो रहा है संसार में कि हद है। इसलिए बहुत विवेक पूर्वक काम करने की आवश्यकता और समझने की आवश्यकता है। आपका पाप काटने वाला कोई नहीं है, आपका पाप आपको काटना पड़ेगा। गलती हो गई है, गलती न करना सबसे बड़ा पश्चाताप है। बहुत पश्चाताप में अपने मन को दुखाओ ना, हो गई गलती हो गई, अब न गलती न करो, वैसी गलती न करो, हल्का पश्चाताप। और गलती न करना सबसे बड़ा पश्चाताप है। गलती न करने से आदमी गलती के पाप से मुक्त हो जाता है। भयंकर भयंकर चोर चोरी छोड़ देते हैं जब, और लगातार वर्षों तक छोड़े रहते हैं, थाने से वो मुक्त कर दिए जाते हैं। हिस्ट्री सीटर रहे लेकिन नाम कट जाता है। कहीं भी कोई भयंकर दुश्मनी कर रहा था, हमारा गला काटने को तैयार था और चित्त उसका बदल गया, ठीक हो गया, कुछ दिनों के बाद हम और वो दोनों गला मिला करके रहते, बिल्कुल समाज में देखा जाता है। कईयों को मैंने देखा है जो उसको मारने को तैयार था, षड्यंत्र रच रहा था कि एक रात को मार दिया जाए। कुछ दिन बीत गया, वो मार नहीं पाया, कुछ दिन बीत गया, बुद्धि बदल गई। अब फिर वो दोनों इतने प्रेम से रहें कि वो घर में बैठे प्रेम से, तीर्थ जाएं प्रेम से, दोनों बनावें खाएं एक साथ, ये डर नहीं रहे हमें जहर न दे दे, क्योंकि वो बुद्धि बदल गई थी। तो ये सब दुनिया बदलने वाले हैं, स्थिर नहीं है। गलती हो गई फिर गलती न करो, बस कल्याण है, पाप कट गया। और गलती करते रहो और भगवान का नाम लेते रहो। किताब में तो ऐसा भी लिखा गया है कि दिन भर का पाप शाम के जप से कट जाएगा और रात भर का पाप सुबह के जप से कट जाएगा। गायत्री की महिमा इतनी झूठी झूठी की गई, राम नाम की महिमा, सतनाम की महिमा, गुरु के चरणोदक की महिमा इतनी झूठी झूठी की गई, पाप बढ़ाया गया। 18 पुराण और महाभारत, इन 19 जिल्दों से छांटा जाए तो 40,000 श्लोक निकलेंगे जो दिमाग खराब कराऊ हैं, आदमी की बुद्धि को भटकाने वाले हैं। गंगम नहाओ मोक्ष है। गंगा में नहाने के बाद जब लोग निकलें उनमें क्रोध काम लोभ मोह कुछ न रहे, ईर्ष्या द्वेष संताप उद्वेग अशांत चित्त का भटकना न रहे, समाधि लीन हो। गंगा से निकला समाधि लीन शांत, तो निश्चित है मोक्ष हो गया। गंगा से नहा के निकला वैसे खुराफाती है, वैसे वो दंड है, वैसे प्रपंची है, कैसे मोक्ष हो गए? मोक्ष कोई तमाशा है?
भक्त कवियों ने मोक्ष को पान तमाकू के भाव से बेचा है। नाम लेते ही संसार सागर सूख जाएगा। उतना पाप कर नहीं सकते हो जितना अमुक नाम के जपने से कटता है। नर्मदा की तो दर्शन मात्र से मोक्ष होता है। झूठ बोलने में धार्मिक बहुत आगे, वकील, व्यापारी, राजनेता अपनी झुठाई के लिए बदनाम है और धार्मिक लोग अपनी झुठाई के लिए प्रशंसित हैं। जितना झूठ बोले उतनी प्रशंसा उनकी होती है। लेकिन ये सब भटकाव है। सावधान, आपका पाप काटने वाला कोई नहीं है, आपको खुद काटना है। पाप है मन का विकार, उसको खुद काटो। आपने बनाया है, आपको काटना है। बनाया है आप उसके दृष्टा हैं, आपके चित्त में आता है वो जानते हैं आप, उसको काटो। दूसरा कौन काटेगा? दूसरे मित्रजन रास्ता बताएंगे, गुरुजन, संतजन, भक्तजन, वो मित्र हैं, वे रास्ता बताएंगे। आपको काटना है और सरल है, कठिन नहीं। हजारों लाखों वर्ष का अंधकार गुफा में रहता है। पर्वत की गुफाएं जो बनती हैं वो हजारों हजारों वर्षों में बनती हैं, और जब से बन गई तब से अंधकार उसमें हर समय है। ऐसी ऐसी गुफाएं होती हैं जिसमें 24 घंटे में कभी भी प्रकाश नहीं पहुंचता है। लाख बरस का अंधकार है, जाके टार्च चलाओ तुरंत प्रकाश। सारे मनोविकार अंधकार धर्म है। ज्ञानोदय से और पवित्र अभ्यास से वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अंतर को देखो, अपने अंदर में झांको, क्या क्या पाप है, उस पाप को खुद निकालो। अगर ईर्ष्या हो रही है किसी के लिए तो पाप है, क्रोध आया तो पाप है, काम वासना आई तो पाप है। काम वासना के लिए मैं कहता रहता हूँ, काम वासना जड़ में है। काम, क्रोध, लोभ तीन नरक के द्वार है। तीन का नाम लेने की जरूरत नहीं, काम नरक का द्वार है। काम जब सफल होता है तो लोभ बढ़ता है, और काम जब असफल होता है तो क्रोध बढ़ता है। काम नाम कामना, कोई कामना पूरी हुई तो लोभ बढ़ गया, और कोई कामना में ठेस लगी पूरी नहीं हुई तो क्रोध बढ़ गया। इसलिए काम ही क्रोध और लोभ बन जाता है, मुख्य काम है। काम को जीत ले, क्रोध लोभ अपने आप खत्म। काम मैथुन क्रिया मात्र नहीं, ये तो है ही है, सबसे भयंकर धारा है मैथुन क्रिया। जो संयम शांति चाहे इसको छोड़ दें। विरक्त को तो छोड़ना ही चाहिए, उससे रहित रहना ही चाहिए। गृहस्थ भी जो शांति चाहे इसको छोड़ दें। ये तो केवल गर्भाधान के लिए, गृहस्थों के लिए है। बस जानवर गर्भाधान के लिए, गाय बैल सब केवल गर्भाधान के लिए करते हैं, विलास के लिए नहीं। तो गृहस्थ को एक दो बच्चा पैदा करने के लिए गर्भाधान के लिए है, और उसमें मरने पिटने सड़ने की क्या जरूरत है? बेकार में उत्तेजित होना, मलिन होना, बिलबिलाना, तृष्णा बढ़ाना, भव व्याधि को और मजबूत करना, क्या समझदारी? तो उसका त्याग करो। और अन्य कामनाएं जितनी हैं, भोग की लालसा छोड़ो, सहज कर्तव्य करो। कामनाएं शिथिल होंगी, क्रोध शिथिल होगा, लोभ शिथिल होगा। कामनाएं बढ़ेंगी, क्रोध और लोभ बढ़ेंगे। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है, कारण कारज की अटूट व्यवस्था है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तनिक भर कामना करो, तुरंत तकलीफ शुरू हो जाएगी, क्योंकि कामना की पूर्ति में बाधा है। प्राणी, पदार्थ, अवस्था, परिस्थिति, ये सब बाधा हैं। कोई कामना होती है मनुष्य के मन में, तुरंत संकल्प इर्द गिर्द के उठते हैं कि अमुक ये होने नहीं देंगे, चीज नहीं है कैसे होगा, सहायक नहीं है,
या मेरा स्वास्थ्य नहीं है, तो दुख शुरू हो जाएगा। कामना उत्पन्न हुई और दुख शुरू हुआ। कामना को जीतो, व्यवहार करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है। सात्विक इच्छा क्या है ये थोड़ा ध्यान दो। सात्विक इच्छा वह है जिसका करना आवश्यक है और उसकी पूर्ति के लिए साधन काम भर के उपलब्ध हैं और सहायक भी उपलब्ध हैं, वो सात्विक इच्छा है। वो काम कर लो, वो काम कर लोगे मन संतुष्ट हो जाएगा। और राजस इच्छा क्या है? जिस चीज की इच्छा हुई उसके लिए सहायक नहीं और उसके लिए रुपए पैसे भी नहीं है और उसकी बड़ी आवश्यकता भी नहीं है, तो इसमें चित्त जलेगा। मानो आवश्यकता है लेकिन रुपए पैसे नहीं तो कैसे काम होगा? एक कमरा बनाना है, रुपए नहीं है तो क्या करेंगे? इसलिए चुप रहो, जैसा वैसा रहो। जो राजस इच्छा होती है जब वो पूरी हो जाती है तो उसकी शाखाएं इतनी निकलती हैं, तमाम इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं, फिर आदमी जलता है। और जो सातस इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है और मन ठंडा हो जाता है, फिर और इच्छा नहीं होती है। राजस इच्छा एक तो पूरी कम होती है, वो पूरी हो गई तो उसकी शाखाएं बहुत निकलती हैं, फिर हाथ पैर मारता रहता, कभी विश्राम नहीं। सात्विक इच्छा पूरी हो जाती है और फिर कोई चिंता नहीं, कुछ और करने की इच्छा नहीं। जिस काम के पीछे उद्वेग हो, अशांति हो, वो राजस है। जिस काम के पीछे शांति हो, समता हो, वो सात्वस है। जीवन जब तक है तब तक कुछ न कुछ करना पड़ता है, उसे कोई बच नहीं सकता है। उसको विवेक पूर्वक करना चाहिए, उद्वेग में नहीं पड़ना चाहिए। अमुक काम हो न हो अपना मन शांत रहे, अमुक काम के लिए इतना उद्वेगित हो जाए कि मन अशांत हो जाए, क्या मतलब होता है? शांति से करो, आज नहीं कल होगा। इसलिए जो व्यवहार का काम है वो बहुत ये नहीं सोचना चाहिए वो नहीं होगा, होगा, जो होना होगा होगा। व्यवहार की कोई सीमा भी नहीं। अपने मन को संभालो। सबके पास मन सांप भयंकर फनफनाने वाला है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन वाच हैं रामई भजे बिचारी। ये कबीर साहब की साखी है। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, सबके शरीर में काला सर्प बैठा है और सबको झार झारा वो खा रहा है। उससे वही बचेगा जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा। राम अंतरात्मा है, आपका स्वरूप है। जो समझेगा कि मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ, देह इंद्री मन अंतःकरण संबंधित समस्त ज्ञान क्षणिक है, विदेश का है, सारा संसार विदेश है, स्वदेश आत्मा है। पै हो भरम मन जई हो विदेशवा हो, इंद्रिन देश बस्यो तज दिसवा, हर छिन होय कलसवा हो, भार मानसिक झगड़े परी हो, सब दिन होय कुदिनवा हो। ये विशाल साहेब का पद है। आत्मदेश को छोड़ करके इंद्रियों के देश में बस गए हो, इंद्रियों से प्रतीतमान जगत में रम रहे हो। जगत रमने की चीज नहीं है, केवल कर्म करने की चीज है। रमने की चीज अंतरात्मा है। व्यवहार करणी है, रमणी नहीं है। राम रमणी है, व्यवहार करणी है। रमणी और करणी पर ध्यान दो। जहाँ रमा जाए, जहाँ प्रेम किया जाए, मोह किया जाए, आसक्त हुआ जाए, रम जाना, आसक्त हो जाना, चिपक जाना। कहाँ चिपकना चाहिए? राम में। राम में आसक्त हो जाओ, लीन हो जाओ।
अंतरात्मा में लीन हो जाओ, ये रमणी है। और कहाँ, और जो दुनिया का व्यवहार है वो करणी है, रमणी नहीं। मकान बनाते हो, मकान बना लो, उसमें रमो ना। मकान रहने की चीज़ है बस, उसकी अहंता ममता ना भरो, फुलावे में न पड़ो। इतना बढ़िया मकान मेरा, इतना बढ़िया मकान मेरा, न तुम्हारा शरीर रहेगा न तुम्हारा मकान रहेगा। ये तो व्यवहार है, मकान बनाना पड़ता है, मकान बना लो, वो करनी है, व्यवस्था करो, साफ सुथरा रखो। रमणी नहीं है, रमणी तो आत्मा है, राम है। और हम पदार्थों में रमने लगते हैं, मकान में रमने लगते हैं, दुकान में रमने लगते हैं, ऑफिस में रमने लगते हैं, शरीर में रमने लगते हैं, गुणकर्मों में रमने लगते हैं। मेरे पास वाक शक्ति है, लेखन शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, और इसी में रमने लगे, कब तक है ये? चार दिन के बाद सब ढील ढाल हो जाएगा। महापंडित राहुल सांकृत्यायन, 33 भाषाओं का ज्ञाता, विस्मृत का रोग हो गया, कुछ नहीं जान पाता था। भदंत भिक्षु धर्म रक्षित सारनाथ महाबोध सभा के, उन्होंने मुझसे कहा था, बड़े विद्वान थे, त्रिपिटकाचार्य थे, उन्होंने मुझसे कहा था, शायद है ये 70 की बात, कि अगर राहुल जी जाते और स्वस्थ हो जाते तो फिर से काखा गाखा पढ़ाना पड़ता, इतना भूल गए थे, लेकिन जिए नहीं, मर गए। इतना बड़ा विद्वान, जैसे उसका प्रवाह संस्कृत में वैसे अरबी में और इंग्लिश में, और हिंदी तो उसकी भाषा थी, वैसे वो हिंदी ही में सब कुछ लिखा, 33 भाषाओं का गया था, और विस्मृत के रोग से पढ़ करके मर गया। इस संसार में क्या स्थिर है? कौन सी वस्तु रमणीय है? कुछ रमणीय नहीं, रमणीय आत्मा है। आत्मा से हम कभी अलग नहीं हो सकते, आत्मा ही राम है। कबीर साहब वह राम नहीं मानते जो एक वर्ग के लोग माने। श्री राम हमारे पूज्य हैं, आदरणीय हैं, सिर पर हैं, हमारे पूर्वज हैं, लेकिन उपासना की दृष्टि से उनको कुछ लोग मानते, हिंदू में भी सब नहीं मानते। कृष्ण उपासक राम को नहीं मानते, शैव नहीं मानते, आर्यसमाजी नहीं मानते, ब्रह्मवादी नहीं मानते, और तमाम शाखाएं निर्गुणी धारा के कोई नहीं मानता है। जब पूछा गया हरे राम हरे कृष्ण वालों से, इस्कान वाले, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये 16 शब्दों का उनका मंत्र, तो उनसे कहा गया भाई बहुत बढ़िया बात, आपने कम से कम राम कृष्ण का समन्वय किया, आप कृष्ण उपासक हैं, लेकिन आपने राम भी कहा, हरे राम, तो बड़े संकोच में पड़ गए। वो कहे कि आप जिस राम को कह रहे हैं अयोध्याधीश, वो ये नहीं है, ये बलराम है जो कृष्ण के बड़े भाई हैं। तो कृष्ण के बड़े भाई थे इसलिए कृपा करके बलराम को उन्होंने ले लिया, श्री राम को लेने वाले नहीं थे। ये संसार में फर्क है उपासना में, सगुण उपासना में बड़ी झंझट है, बड़ी छीना झपटी है और बड़ा अहंकार है। यद्यपि सगुण उपासना का अपना महत्व है, लेकिन अज्ञान छोड़ करके करना चाहिए। राम के कोई उपासक हैं तो राम की उपासना करें, लेकिन कृष्ण के महत्व को समझें। कृष्ण का उपासक है तो कृष्ण की उपासना करें, लेकिन राम के महत्व को समझें। एक पत्नी का विवाद, पत्नी रहे कृष्ण उपासक, पति रहे राम उपासक, तो देवी ने कहा महाराज इनको समझा दीजिए, जब देखो तब राम मंदिर मुझे घसीटते हैं, और मैं तो गोपाल की भक्तिन हूँ। उनसे कहा गया कि भाई देखो तुम अपने पति को समर्पित हो, कहे हाँ। फिर कहा गया तुम भोजन अपने जेठ को, देवर को, ससुर को, सास को, ननद को, देवरान को, जेठान को देती हो कि नहीं, कह देती है। तो कहा गया तुम समर्पित हो पति को, लेकिन सामान्य सेवा दूसरे की भी करती हो। इसी प्रकार
तुम गोपाल को समर्पित हो, बहुत अच्छा है, लेकिन राम को पानी दाना भी नहीं दे सकती हो। राम के मंदिर में तुम्हारे पति जाते हैं, तुम भी चली जाओ, थोड़ा सिर झुका लो, ना हृदय से उनको उपास्य मानो, सभ्यता तो रखो। कहे महाराज तो ऐसा ही कहते नहीं, कहते राम बड़े हैं और मैं कहती हूँ कृष्ण बड़े हैं। मैंने कहा दोनों बड़े हैं। तो ये जो सगुण उपासना में है, जड़ता जो उत्पन्न हो जाती है, कट्टर कबीर उपासक कबीर को छोड़ करके किसी को देखना नहीं चाहते। कट्टर राम उपासक की ही दशा है, कट्टर कृष्ण उपासक की ही दशा है, कट्टर बौद्ध की ही दशा है, कट्टर महावीर स्वामी के भक्त की ही दशा है, कट्टर ईसाई की ही दशा है, कट्टर मोहम्मदन की ही दशा है, सब जगत यही है जड़ता। सगुण उपासना गलत नहीं है, क्योंकि आदमी कहीं जन्मता है तो किसी शाखा पंथ विश्वास में जन्मता है, तो जहाँ वो सगुण उपासना पाया वो करता है, अच्छा है, लेकिन उससे आगे बढ़ना है। सगुण उपासना थोड़ी दूर तक है, अंत में निर्गुण में पहुँचना है। उसके विषय में समय आएगा तो कहा जा सकेगा। बराबर कहा जाता है कबीर जिसे कहते हैं राम, वो राम वही है जो आप में है, हमारे में है, श्री राम में भी था, रावण में भी था, मंथरा में भी था, कैकेयी में भी था, कौशल्या में भी था। कहें कबीर ये हर के भूता, राम रमे थे कुकुरी पूता, वो तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। सब घट मेरा साइया सुनी सेजन कोय, जो घट घट में रम रहा है वो राम है। इस राम का अपवाद कोई नहीं कर सकता है, मुसलमान भी नहीं कर सकता है। राम न कहे रहीम कहे, जल न पिए पानी पिए, बातें कहे। अंतरात्मा सबके अंदर की चेतना कौन नहीं मानेगा। भाषा का अंतर हो जाएगा, वस्तु का अंतर नहीं होगा। इसीलिए कबीर साहब मूल बिंदु को पकड़ते हैं, सांप्रदायिकता से ऊपर, जाति भावना से ऊपर, सगुण भावना से ऊपर, सबसे ऊपर वो ऐसी बात कहते जहाँ सब मिलते हैं, जहाँ टूटने की जगह नहीं है। इसी बात को लेकर के कबीरपंथियों को काम करना चाहिए था, करने वाले हैं, लेकिन ऐसे भी कबीरपंथी हैं कि जो दूसरे लोग जैसे चलते थे, जिसका कबीर साहब ने खंडन किया, वही ले लिया, वही जड़ता, वही सगुण उपासना की जड़ता, वही पंथाई की जड़ता, कि हमारे पंथ में जो होगा उसी का मोक्ष होगा, दूसरे का नहीं होगा, वही जड़ता स्वीकार लिया। तो ये कबीर को समझना ना हुआ। ऐसे सभी महापुरुषों के साथ ये किया गया है। वैदिक वैदिक सब बहुत चिल्लाते हैं, हम वैदिक हैं वैदिक हैं, और अपनी जड़ता के लिए प्रमाण जो देते हैं वो स्मृतियों का होता है। कहते हम श्रुत के पक्षधर हैं, श्रुत का प्रमाण देते हैं। अब ब्राह्मण कल्याण पद को पाने का अधिकारी नहीं है, वेद का अधिकारी नहीं है अब ब्राह्मण, क्योंकि श्रुत वचन है तो कहो प्रमाण दो, तब देते हैं अस्मृत का। अस्मृत पुरोहितों की लिखी पुस्तक है और श्रुत ऋषियों की है। श्रुतियों में ऐसा नहीं है कि अमुक वर्ग के लोग कल्याण के अधिकारी हैं, अमुक नहीं है। तो श्रुत का नाम लेंगे पंडित लोग और अस्मृत का प्रमाण देंगे। बड़ा बड़ा छल है। विचारक बने, चिंतक बने, मूल स्थान पर आ करके मैं विराम लूंगा। सब कुछ नश्वर है। कबीर नौबत आपनी दिन दस लेहु बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुर न देखो आए। दस दिन का समय है, नौबत नगाड़ा बजा लो। दस दिन का पता नहीं, सांस आवे न आवे, अभी दस दिन लाक्षणिक है। फिर तो शरीर छुटा और ये गलियाँ, ये नगर, ये बस्ती देखने को नहीं पाओगे। और देख करके पा क्या रहे हो जलन के सिवा। देखने वाले को देखो, अपने में लौटो, जहाँ परम विश्राम है, निर्विकल्प समाधि पे पहुँच करके विदेह के सुख का अनुभव होगा। शरीर में रहते रहते संकल्प शून्य हो जाओ, तब परमानंद की प्राप्ति होगी, तब विदेह भाव मजबूत होगा, तब देह छूटते समय कोई भय नहीं होगा, तब ये होगा मैं तो अपने अचल धाम में हूँ,
टूटही झोपड़ी छोड़ के अचल धाम में हो गया। जैसे एक आदमी प्लाट खरीदता है और मकान बनाना चाहता है तो वहाँ ईंटा गिराता, सीमेंट गिराता, लोहा लक्कड़ गिराता है और ईंटे को ऐसे जोड़ करके एक झोपड़ी बना लेता है, उसमें बैठ जाता है, सीमेंट उसमें रखता है, रक्षा रखता है, नींव खुदवाता है, मकान बनवाता है। मकान बन गया, रंगाई पुताई हो गई, फाटक जंगले लग गए तो उसमें चला जाता है और जो छोटी झोपड़ी रखा था उसको तोड़ देता है क्योंकि बढ़िया मकान में पहुंच गया। ये शरीर झोपड़ी है, इसमें बैठ करके मोक्ष के भवन का निर्माण करो। मोक्ष भवन मिल गया, बस ये टूट जाए खत्म। ये शरीर टूटी झोपड़ी है, मोक्ष भवन का निर्माण नहीं होता है क्योंकि निर्मित वस्तु मिट जाती है। कहने का तरीका है, अनासक्त हो जाओ संसार से, आत्मलीन हो जाओ, आत्मस्थित हो जाओ, अच्छे भवन मिल गया। स्वरूप स्थित, आत्मस्थित, आत्मलीनता अच्छे भवन है। और इस भवन में जो स्थित हो गया, फिर ये शरीर जहाँ कहीं टूटे गिरे, चाहे वो गाड़ी से गिरे, चाहे बस से गिरे, चाहे हवाई जहाज से गिरे, चाहे कीचड़ में गिरे, चाहे आग में गिरे, चाहे पानी में गिरे, चाहे बिस्तर पर गिरे, कहीं गिर जाए, मिट्टी लौंदा टूट जाए, क्या मेरा जाता है, मैं तो शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ। ये भाव समझो, इसका अभ्यास करो। सब लोग अपने को अकेला कुछ समय के लिए बनाओ, अपने आसन पर, अपने घर में, अपने कमरे में, कहीं भी रोज अकेले में बैठो, चिंतन मनन करो, ध्यान करो, अभ्यास करो और अंतिम स्थित संकल्प शून्य अवस्था है। आत्म शून्य नहीं, संकल्प शून्य, सारे संकल्पों को छोड़ करके आत्मलीनता का काम करो।